महाबलीपुरम 10 इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट के लिए विश्व प्रसिद्ध। मैं आपको हर एक के बारे में अलग अलग वीडियो में विस्तार से बताऊंगी, लेकिन आज जो सबसे खास मॉन्यूमेंट है वो है शो टेम्पल, जिसके इर्द गिर्द गीत गाती लहरें और कदम चूमते समुद्र उसको बहुत ही अद्भुत बनाती है। 7वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया अद्भुत कला द्रविड़ शैली में निर्मित सबसे पुराने दक्षिण भारतीय मंदिरों में से एक है। शो टेम्पल में पल्लव वंश के कलाकारी की झलक आती है। यह मंदिर बंगाल की खाड़ी तट पर स्थित है, जहां पर्यटकों को सबसे ज़्यादा देखा जा सकता है। सिर्फ देशी नहीं, विदेशों से पूरे विश्व से यहां पर्यटक आते हैं और देख करके मंत्रमुग्ध होते हैं। महाबलीपुरम घूमने का सबसे सटीक मौसम दिसंबर और जनवरी का होता है। बाकी के महीनों में बहुत तेज़ गर्मी होती है और दिन में घूमना मुश्किल होता है। सुबह में समुद्र की लहरों का मज़ा लीजिए, अपने परिवार के साथ मस्ती कीजिए और 10 बजे से शो टेम्पल का दरवाज़ा खुलता है, आप वहाँ जाइए। मात्र 5 रुपये के टिकट से आपको अंदर एंट्री मिल जाएगी। हाँ, विदेशी सैलानियों के लिए इसकी कीमत 250 रुपये की होती है। अपने अद्भुत नक्काशीदार मंदिरों और पत्थरों को काटकर बनाई गई गुफाओं के लिए प्रसिद्ध महाबलीपुरम या मम्मलपुरम तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यहाँ जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं सभी की कार्विंग मात्र एक चट्टान को काटकर की गई है, वो भी ऊपर से नीचे तक, टॉप टू बॉटम। कहते हैं यह मंदिर समुद्र में पूरी तरह डूब चुका था और समुद्र में आए सुनामी में फिर से इसका लोकार्पण हुआ। 1984 में इसे यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी शामिल किया जा चुका है। शो टेम्पल या तटीय मंदिर के नाम से इसे इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। यहाँ चीन के राष्ट्रपति सिंग जिनपिंग और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी दोनों की मैत्री संबंध को भी यहाँ पे एक मकाम मिला था। मोदी जी उनके साथ यहाँ घूमने आए थे। कुछ कलाकृति यहाँ चीनी कलाकृति से भी थोड़ी बहुत इस मंदिर की मैच खाती है, ये भी इसका एक खास आकर्षक केंद्र है। देशी विदेशी सैलानियों के बीच हमें कुछ ट्रेडिशनल सैलानी भी मिले, एक तरह के वस्त्र, एक तरह के गजरे परिधान में सुसज्जित। ये सभी उसी समुद्र से नहा करके पूरे सनातन संस्कृति के अनुरूप यहाँ वो पूजा करने आए थे। देख करके बहुत खुशी हुई कि हम तो यहाँ घूमने आए हैं, लेकिन आस्था इन लोगों को यहाँ लेकर के आई है और सचमुच बहुत ही खूबसूरत है। शो टेम्पल जिसमें क्षत्रिय सिंहेश्वर पूरब दिशा में और राज सिंहेश्वरम पश्चिम दिशा में विराजमान है और दोनों में मनोहारी शिव जी ही विराजमान है, दोनों में शिवलिंग है। दोनों मंदिरों के बीच में एक छोटा सा मंदिर है, नारायण मंदिर, जिसमें भगवान विष्णु शयन क्रिया में लेटे हुए हैं। इस मंदिर की कार्विंग बस एक चट्टान को काटकर की गई है। आप मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा भी कर सकते हैं। मंदिर में हर तरफ सैकड़ों की संख्या में नंदी महाराज विराजमान हैं। आप यहाँ जितनी देर रहें
और जितनी देर देखे आपको समझ में आएगा कि हमारी पुरानी कलाकृति का कोई जोड़ नहीं है। हम चाहे जितने भी एडवांस हो गए हो, जितने भी हमने मकाम हासिल कर लिया हो, लेकिन जो हमारी पुरानी कलाकृति है, जो वो देख करके कभी भी उसका कोई कॉपी नहीं किया जा सकता है। उस ज़माने में ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं थी, कोई भी इतने सारे टूल्स, एडवांस टूल्स नहीं थे, लेकिन आप देख करके समझ सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत है। जो मंदिर समुद्र में डूब चुका था वो निकला है और अभी भी तटस्थ अपने जगह पे खड़ा है, अपनी खूबसूरती को दिखाने के लिए। कहीं से भी आप अभी इसको छूए, छू करके, स्पर्श करके इसको आप प्रतीत कर सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत है। 1984 में इसको यूनेस्को के द्वारा भी विश्व पर्यटन स्थल में इसको जगह मिला है। आप यहाँ रहिए, अपने देश के धरोहर को देखिए, पहचानिए, अपनी संस्कृति को पहचानने की कोशिश कीजिए, समझिए कि हमारी संस्कृति कितनी विख्यात थी। हमें दूसरों पे नहीं जाना है, हमें अपने संस्कृति को फिर से खोजना पड़ेगा, फिर से ढूंढना पड़ेगा और उसमें रमना पड़ेगा। हमें हमारी आने वाली पीढ़ी को दिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि हम आज एडवांस नहीं हैं, हमारी जड़ें एडवांस थी और आज भी है, कल भी रहेगी। सनातन संस्कृति को कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता है। हाँ, ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने धरोहर को बचा के रखें, सुरक्षित रखें। हम घूमने आए और अब ये इतना मंदिर इतना डेवलप हो चुका है कि चारों तरफ इसको समुद्र के थपेड़ों से बचाने के लिए बाउंड्री भी दी गई है, पेड़ लगाए जा चुके हैं जिससे कि समुद्र से आने वाली जो नमकीन हवा होती है वो पत्थरों को बर्बाद ना करे और हानि ना पहुंचाए, जिससे कि ये मंदिर और भी सालों साल तक ऐसे ही अपनी अवस्था में रहे और हमें मंत्रमुग्ध करते रहे। जय जय सियाराम। हे गाइस, आप इसी तरह एपिक रूट के साथ बने रहिए ताकि आपको एपिक रूट्स अपने प्राचीन धरोहर, सांस्कृतिक और अमूल्य विरासत से आपको भेंट करवाता रहे। आपका बहुत बहुत आभार। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। जय जय सियाराम।